वो नौटंकी कंपनी वाला केजरीवाल साहब। मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, आम आदमी पार्टी बना दीजिए। इधर धरना, उधर धरना, इधर धरना, उधर धरना, ये जंतर मंतर की जगह पे धरना कंपनी केजरीवाल की नौटंकी कंपनी लिख दो। वजीरी जान तो बाद नवजोत सिद्धू चुप ने, पर खबरां च सिद्धू ही गरज रहा है। आम आदमी पार्टी डोरे पा रही है, भगवंत मान वेलकम करने लिए तैयार ने, पर शायद पंजाब दे लोग उस समा भुल गए होंगे जदों सिद्धू ने केजरीवाल के खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी सी। भाजपा छड्डन तो पहला नवजोत सिद्धू की बोले सन, भाजपा छड़ के आवाज़े पंजाब पार्टी बना के की खुलासे किए, अते कांग्रेस विच शामिल होने तो बाद। तुसीं वी सिद्धू दी बयानबाजी सुनो जो साफ करती है कि सियासत विच ना कोई पक्का दोस्त हुंदा है अते ना ही कोई पक्का दुश्मन, सब गोलमाल हुंदा है। वो नौटंकी कंपनी वाला केजरीवाल साहब, मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, आम आदमी पार्टी बना दी। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जेड सिक्योरिटी ले ली। मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगले में खुद झाड़ू मारने लग गया, बंगला ले लिया। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? फिर कह रहा है मैं सीएम बिल्कुल भी कांग्रेस की सपोर्ट से नहीं बनूंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस वालों से लड़ाई लड़ता रहूंगा। बातों में कुश्ती कबड्डी, जैसे ही सरकार बनी पप्पी जप्पी, ठोको ठोको दाढ़ी ठोको। मैं इधर धरना, उधर धरना, इधर धरना, उधर धरना, ये जंतर मंतर की जगह पे धरना कंपनी केजरीवाल की नौटंकी कंपनी लिख दो। ठहरो ठहरो, अभी नहीं, अभी दुक्का मारा छक्के पे ठोको। इधर धरना, उधर धरना, इधर धरना, उधर धरना, दिल्ली वाले सीधे लोग हैं, उन्होंने मुंह पे धर दिया। अब ठोको ठोको। केजरीवाल साहब का ट्वीट आया, और वो जड़ा ट्वीट आया, वो ट्वीट सीगा भी सिद्धू साहब ने कोई शर्त नहीं रखी। तुसी ओदे साक्षी हो कि सिद्धू साहब ने कोई शर्त नहीं रखी। सिद्धू साहब बेशर्त आए ने, और असी इस लेजेंड का बड़ा सत्कार करते हैं, मान करते हैं, फलाना करते हैं, टंकाना। केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया, केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया, पूरा मैं कर, पूरा मैं कर। भाई जी जदों भी मैं उन्होंने मिलिया इको गल ते सी कि तुसी मेरा रोल डिफाइन कर, साढ़े चाहन का तो सवाल ही कोई नहीं, थोड़ी पार्टी है तुसी बनाई है, तुसी मेरा रोल डिफाइन कर दो, तुसी मेरे तो चाहने की हो। मैं तो अपनी पार्टी हमेशा कहता रहा भाई मैं इन्हां नाल नहीं खड़ सकता, जे तुसी खड़े हो मैं मेरा जहन ही मानता नहीं, तो तुसी एक विकल्प हो जिहड़ा मैं देखदा, तुसी दसो मेरे तो की चाहने। दो तीन वार तो बाद केजरीवाल साहब ने अखीर एक कह ही दिता, क्योंकि मैं तो उन्हों का मनसूबा जानना चाहता सी, मैं उन्हों का मकसद जानना चाहता सी। कहना सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो, मेरा यार सी औखा हो गया। कहना जी डिसएग्री, मैं उश चुप, मैं यार की करिए, मैं जी सत श्री अकाल। मैं आया, मेरी वाइफ दोपहरे पहुंची, चार बार भी एम पी छड़ के एमएलए चुनता है, वाई इज ही सो इनसिक्योर, ये उन्हें शब्द नहीं। कहती जड़ तो बिना पेड़ नहीं होता, ना जड़ तो बिना फल, ये क्यों? ये तेन रेस शुरू होने तो पहले ही बार रखना चाहते हैं। मेरे गाना याद आ गया, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, फटने याद आ गए। मैं लाइना लिखतियां टका के नाल दी नाल, मेरे ऐ निकलदियां घर घर, मैं लाइना लिखतियां। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है, और देवताओं की नीयत में भी
भी आ जाए, फर्क अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, कर्क हो जाए। बुजदली की सजा मौत है। और आज केजरीवाल साहब ने जो बुजदली दिखाई है, पंजाबी लोग उससे सहमत नहीं। इट इज अ लेट डाउन ऑफ द फेथ ऑफ द पंजाबी पीपल। पंजाब के लोग इन्हें विकल्प मानते थे और आज पंजाब को यह लग रहा है कि इससे बड़ा विश्वासघात, निजी स्वार्थ के लिए केजरीवाल साहब पंजाब के साथ नहीं कर सकते थे। क्योंकि कोई बंदा भय से पूरी तरह से ग्रस्त होके अगर तारीख ना भुगतने के लिए माफी मांगता है एक ऐसे आदमी से जिसे पूरा पंजाब दोषी मांगता है, तो मुझे लगता है कि यह ना सिर्फ पंजाब के लोगों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि क्या पंजाब के उनके पार्टी के सदस्य उन्हें लीडर भी मानते हैं कि नहीं। ये भगवंत मान का इस्तीफा, बाकी सब जो भी हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं इतनी बात आज आपको कह रहा हूं कि सवालिया निशान उठाता है ये, क्योंकि ये ऐसा ही है कि कोई चीज सुखबीर बादल बोले और अकाली दल का बंदा कोई उसके खिलाफ रिबेलियन करे। देखिए, हमारे जाखड़ साहब प्रधान, जाखड़ साहब जो कहते हैं वो हमारे लिए एकदम से बाधित करता है हमें। तो क्या केजरीवाल साहब के घुटने टेक माफी पंजाब की आम आदमी पार्टी को बाधित करती है? उनसे पूछो कि वो क्या सोचते हैं। मुझे तो लगता है दो फाड़ हो गए, ये एक रहे ही नहीं। देखिए, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है और विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मुझे तो लगता है कि आज आम आदमी पार्टी का पंजाब में कत्ल कर दिया है केजरीवाल साहब ने। और केजरीवाल साहब का कि ये स्टेटमेंट पंजाब में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देती है। आई मीन इट इज एज इफ देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन वाइप्ड आउट टुडे। सियासी शतरंज विच कोई पहला मौका नहीं। सिद्धू कांग्रेस विच आउण तो पहला साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अते गांधी परिवार नूं भी अपने अंदाज च निशाने विन्नदे रहे ने। कांग्रेस विच आए तां भाजपा नूं भंडदे रहे, हुण मुख्यमंत्री कैप्टन दे नाल नाराजगी दे कारण वजारत छड के खामोश ने। पर सिद्धू केड़ी पार्टी दा पल्ला फड़दे ने जां अगे दी की रणनीति है, ओह हर पार्टी लई सवाल बणिया होया है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।